न्यू स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। मुंबई कार्निवली पूर्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आमदार विकास निधि से भव्य सभागृह का उद्घाटन किया गया। मुंबई कांदिवली पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गोविंद सेठ चाल वड़ारपाड़ा रोड नंबर 1 विश्वकर्मा मंदिर के पास हनुमान नगर में आमदार विकास निधि से भव्य समागम का उद्घाटन किया गया एवं वृक्षारोपण किया गया। समागम का नाम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। समागम का उद्घाटन वित्त व नियोजन वन मंत्री सुधीर मुक्टीवर व मुख्य अतिथि भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों द्वारा किया गया। उद्घाटन से पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मंत्री मुक्टीवर ने वृक्षारोपण पर भारत भूमि माता को सदैव हरा भरा रखने की अपील की है और आने वाले समय में 33 करोड़ वृक्ष लगाने की घोषणा की है। सभागृह उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि आमदार अतुल भातखलकर हमेशा अपने विधानसभा में अतुलनीय काम करते हैं, जिससे यहां की जनता हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। वहीं बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई को कांग्रेस मुक्त करने का काम यहाँ की जनता ने किया है। सभागृह के उद्घाटक मंत्री सुधीर मुक्टीवार ने बताया कि इस सभागृह द्वारा हनुमान नगर की जनता को शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त का लाभ मिलेगा। तिवार ने बताया कि भले ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बने सभागृह में शादी जरूर होगी। संबोधन के दौरान मुक्टीवार ने आमदार अतुल भातखलकर की तारीफ करते हुए बताया कि हनुमान जी का मतलब सदैव सेवाभावी रहना। ठीक उसी तरह यहाँ के आमदार भातखलकर हनुमान नगर की जनता के लिए हनुमान की तरह सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। पर्यावरण दिवस पर बोलते हुए बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए और जहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं रखा जाता है, मैं वहाँ अक्सर नहीं जाता हूँ। बताया कि वर्तमान वर्ष में 33 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है, जो वृक्ष प्रेमियों की मदद से लगाया जाएगा। 33 करोड़ वृक्ष लगा रहा हूँ, चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़िविगज तक, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के महाराष्ट्र में जनता के सहभाग से विविध पर्यावरण सैनिकों के मदद से, पर्यावरण पे प्रेम करने वाले नागरिकों के मदद से हम 33 करोड़ वृक्ष 90 दिन में लगाएंगे, इसलिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जनता की समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने जहाँ पे गंदगी थी वहाँ पे एक अप्रतिम सभागृह अपने निधि से बनाया, उसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया और उसके माध्यम से हनुमान नगर वासियों के कई प्रश्नों का, कई समस्याओं का समाधान इस एक सभागृह के माध्यम से करने की उन्होंने चेष्टा की है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक जनसेवक के रूप में जनता को ईश्वर का अंश समझकर वो विधायक के नाते, जो विधायक काम कर रहे हैं, अर्थमंत्री के नाते, मेरी और से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं।